बड़ी खबर आ रही है सुकमा से, उसका रुख करते हैं। सुकमा के मुरलीगुड़ा में 5 ग्रामीणों की हत्या हुई है, 3 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की हत्या हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, 3 महिला 2 पुरुष की हत्या हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अंधविश्वास के चलते गांव के ही 5 लोगों ने हत्या कर दी। 5 आरोपियों के साथ गांव वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और कहा जा रहा है कि अंधविश्वास के चलते ये हत्या हुई है। सुकमा के मुरलीगुड़ा की ये पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। सुकमा से हमारे सहयोगी शहनवाज खान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शहनवाज, क्या कुछ ये मामला है? 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई है, 3 महिला 2 पुरुष शामिल है, गिरफ्तारी भी हालांकि हो गई है। जी बिल्कुल, बता दें कोंटा थाना अंतर्गत जो है मुरलीगुड़ा की इटकल की घटना है, जो लगभग आज सुबह 11 से 12 बजे के बीच जो है जादू टोना के शक में जो है मौसम परिवार के एक ही परिवार के जो है 5 लोगों की जो है गांव के ही लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें 5 लोग शामिल है। 5 को हालांकि जो 5 है वो ग्रामीणों के साथ कोंटा थाने में आके आत्मसमर्पण कर दिए हैं, लेकिन जो मारा गया परिवार है मौसम परिवार, उसमें एक पुलिस का भी जवान जो है शामिल है, जो सुरक्षा बल का जवान था, वो डीआरजी का जवान था और उसका पोस्टिंग भी कोंटा में था और उसके जो परिवार है 5 लोग, 5 का शव जो है अभी पुलिस के कब्जे में है। और दूसरी बात यह है कि लगातार शहनवाज, आप वहाँ पुलिस महकमे के साथ ही मौजूद है, वहां पर SP भी है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? और 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कहा जा रहा है? अंधविश्वास के चलते ये पूरी घटना हुई है। जी बिल्कुल, बता दें इस वक्त जो है मैं ग्राउंड पे हूँ और यहाँ पे सुकमा जिले के SP सर भी हैं, उनसे डायरेक्ट जो है इस पूरी घटना को लेकर आपको बात कराता हूँ कि सर पूरी घटना जो है सर एक बार विस्तार चैनल में बताइएगा सर। ये कोंटा थाना क्षेत्र का मामला है, मुरलीगुड़ा के पास इटकल नाम का गाँव है। एक ही कुटुंब के जो 5 सदस्य है, उसमें 2 पुरुष और 3 महिला है, उनकी हत्या कर दी गई है। जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जादू टोना के शक में यह हत्या हुई है। इनिशियली जो 5 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की गई है और अन्य विवेचना इसमें की जा रही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी शहनवाज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुकमा की हम आपको खबर बता रहे थे, 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई है।